मध्य प्रदेश के इंदौर में निकलने वाली सबसे बड़ी इस गैर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। गैर को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गैर मार्ग का दौरा कर 40 घरों की छतों का अधिग्रहण किया है, जहां से विदेशी सैलानियों को गैर का नजारा दिखाया जाएगा। गैर की परंपरा को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए करीब 5 सालों से प्रयास जारी है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से इस पर अमल नहीं किया गया था। वहीं यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल होने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य इसी साल से शुरू किए जा रहे हैं। आने वाले साल में इंदौर की रंगारंग गैर के लिए यूनेस्को की टीम सर्वे करने पहुंचेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इंदौर के मध्य क्षेत्र में निकलने वाली गैर की परंपरा को देखते हुए राजवाड़ा, जवाहर मार्ग, नरसिंह बाजार, शीतला माता बाजार, गौराकुंड, टोरी कॉर्नर, खजूरी बाजार तक गैर मार्ग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त दिव्यांग सिंह, सिद्धार्थ जैन, अभिलाष मिश्रा, एएसपी यातायात, अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी, महेश शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, सीएसआई व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। निगम आयुक्त ने जहां जहां जरूरी है वहां पर पेवर ब्लॉक लगाने व बदलने के साथ ही रोड की वाइंडिंग करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अपर आयुक्त शिवम वर्मा ने गैर मार्ग निरीक्षण के दौरान मार्ग पर स्थित खतरनाक एवं जर्जर मकानों के बाहर सूचना बोर्ड लगाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों से वाहनों की पार्किंग के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। कुल 9 जगहों पर वाहन के पार्किंग की व्यवस्था की गई। निगम आयुक्त सुभाष चौक पार्किंग पर भी पहुंचे और वहां भी पार्किंग की व्यवस्था देखी। निरीक्षण को लेकर निगम आयुक्त ने बाहर से आए मेहमानों से इंदौर की स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लिया। गैर मार्ग का निरीक्षण करने के बाद निगम आयुक्त शिवम वर्मा संबंधित अधिकारियों के साथ राजवाड़ा के सामने स्वादिष्ट पोहों का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बचे हुए काम को लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों और दोपहर तक कंट्रोल रूम तैयार करने के निर्देश दिए। बहरहाल राजवाड़ा और गोपाल मंदिर को रंगों से बचाने के लिए पन्नी से कवर कर दिया गया है। गैर को लेकर हमने पूरे रूट को देख लिया है, पूरे रूट के जो समस्त तैयारियां हैं, चाहे वो रोड रिपेयर हो, पैच रिपेयर हो, एंड पेविंग हो, इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। और अभी माननीय कलेक्टर सर के निर्देशानुसार इसमें जो गैर में बाहर से लोग जो आएंगे देखने, उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको उचित स्थानों पर वो खड़े होके गैर के जो एक एक बहुत ही शानदार हमारे यहाँ परंपरा है, पूरा गैर का जुलूस निकलता है, तो उसकी उसको देखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ गैर के बाद जो अपनी सफाई की व्यवस्था होती है उसके लिए समस्त टीमें लगा दी गई, सभी व्यवस्थाएं की दी गई हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे सुविधा और साफ सफाई समय पर कर सकें और किसी प्रकार की नागरिकों को दिक्कत ना हो, हम लोग उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं।